एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक इशूज इन एन इकोनॉमी तो अब सवाल है कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक के इशूज क्या है इकोनॉमी के अंदर सवाल समझिए सवाल क्या है और क्या जानना चाह रहा है क्या पूछना चाह रहा है फिर आंसर देने पर हम आएंगे तो आपको बताना क्या है मैक्रो इकोनॉमिक इशूज ये तो मैक्रो इकोनॉमिक इशूज का मतलब यह है कि जैसे कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है किन किन समस्या कौन कौन सी समस्या आती है जिसका मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं तो बेसिकली हमें ऐसे प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करना है जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अवेयरनेस और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नॉलेज की हेल्प से उन प्रॉब्लम को हम रिजोल्व कर सकते हैं उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा वो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है एक एग्जाम्पल लेते हैं अनएम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अभी डेफिनेशन पर भी जाऊँगा फिलहाल सुनिएगा ये कहानी है कुछ उन्नीस की बात कर रहे हैं हम यूएसए के अमेरिका की उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी बट 1930 में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आने लग गया और अनएम्प्लॉयमेंट इतने लंबे समय तक वहां पे रहा कि इसने पूरे वर्ल्ड को फिर कैप्चर कर लिया फिर पूरी दुनिया में बेरोजगारी आ गई अब पूरी दुनिया में जब बेरोजगारी आई अन्प्लॉयमेंट आया तो जाहिर सी बात है एक बेरोजगार आदमी की जेब में कितना पैसा रहता है आप भी जानते हैं कुछ नहीं रहता जीरो रहता है तो अब लोग डिमांड नहीं कर पा रहे थे डिमांड किस चीज की गाड़ी मोटर कार ये सब चीजें कहां से खरीदेंगे घर मकान कहां से बनाएंगे बस वो इवन खाने के लिए जब पैसे नहीं है जब आप बेरोजगार हो गए तो बाकी चीजों की डिमांड तो आप भूल ही जाइए कपड़े उपड़े की डिमांड तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जब पूरे देश में इस तरीके से फैला उसके बाद लैक ऑफ डिमांड क्रिएट हो गया डिमांड जो है वो कम हो गया डिमांड का लेवल नीचे आ गया डिमांड का लेवल नीचे आया तो जो फर्मों का जो भी स्टॉक रेडी था वो बिकना बंद हो गया तो अनसोल्ड स्टॉक होने लग गया फर्मों के पास में फर्म ने क्या करा यार यही स्टॉक नहीं निकल रहा है और मैं और क्यों प्रोड्यूस करूं तो प्रोडक्शन स्लो कर दिया और जो लोग काम कर रहे थे उसको और घर बिठा दिया तो ये पूरा एक साइकिल बन गया तो हमारा प्रॉब्लम क्या था हमारी प्रॉब्लम ये थी कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था और अनएम्प्लॉयमेंट से हम अपनी नेसेसिटीज की चीज़ या फिर हम अपने कंफर्ट की चीज़ें हम अपने लिए अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे तो कहीं ना कहीं हम जो है आ, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो बैकवर्ड जा रहा था अब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है बच्चे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि जो ह्यूमन फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि एक ह्यूमन के पास में एग्जाम्पल के लिए मैं बाबा इस बात को रिपीट करूंगा इस बात को समझिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसका मतलब क्या हुआ बच्चे इसका मतलब यह है कि आपको एक अच्छी जो है एजुकेशन मिल पाए आपको एक अच्छा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाए क्लियर है बच्चे समझ में आए आपको तो आप जब एक आपके पास में एक अच्छी एजुकेशन है आपके पास में एक अच्छी आ, हेल्थ uh, इंफ्रास्ट्रक्चर uh, आपके पास में अवेलेबल है और इसके साथ साथ में आपकी जो है नीड्स फुलफिल हो पा रही है जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुल फुलफिल हो पा रही है तो ये सारी चीजें आपके पास में ये सारी क्या कहते हैं ये इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि लोग जो है सर्वाइव करने लग जाते हैं लैक ऑफ डिमांड हो गया अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ने लग गया और फिर ये हम बैकवर्ड जाने लगे पीछे होने लगे लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बैकवर्ड होने लगी तो एक मेजर प्रॉब्लम आया और ये प्रॉब्लम ने फिर इस तरीके से पूरी दुनिया को घेर लिया पूरी दुनिया में बेरोजगारी जो जो कनेक्टेड थी यू से सारे, सारे, सारे के सारे उसके जो है उसके अंडर में आ गए और पूरी दुनिया ने फिर इस रिलेशन को फेस करा ये रिसेशन अब तक का सबसे बड़ा रिलेशन माना जाता है ये जो है इवन कमिटी के प्राइस फिर डाउन होने लगे समझिएगा जब चीजें बिक नहीं रही तो भाई बेचने वाला करेगा क्या डाउन मारेगा प्राइस अब बिक नहीं नहीं क्यों नहीं है डिमांड नहीं है डिमांड क्यों नहीं है जेब में पैसा नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट आया जेब से पैसा गया जब जेब से पैसा गया तो डिमांड कम हो गया जब डिमांड कम हुआ तो सप्लाई ज्यादा हो गई जब सप्लाई ज्यादा हुई तो प्राइस फॉल हुई बट प्राइस फॉल होने का फायदा नहीं हुआ क्योंकि पॉकेट में पैसा ही नहीं खरीदने के लिए तो यहां पर आप कुछ इस तरीके का पूरा पूरा आपको एक इफेक्ट देखने को मिला और यह पूरी दुनिया में इस तरीके चलने लग गया और गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कमी आ गई क्योंकि हमारी लाइफ जो है कंफर्ट होती है हम एक एजुकेशन ले पाते हैं हम हेल्थ फैसिलिटीज ले पाते हैं हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं हम लग्जूरियस गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तब जाकर के हमारी लाइफ कंफर्ट होती है लेकिन जब इन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ही कम हो जाए तो फिर हमें इन सब चीजों के बिना रहना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड और फिर बैकवर्ड में पूरी दुनिया जो है जाने लगी उस समय जो है इकोनॉमिक्स में जो है उसी समय मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था उन्नीस के बाद क्योंकि इस प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमें फिर कुछ ऐसे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करना पड़ेगा जिससे कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर पाए तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करा और जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर जो स्टैब्लिश करा और यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ पर डेवलप करी कि आ, सबसे पहले गवर्नमेंट ने यह कोशिश करा कि भैया वो अपनी तरफ जो पैसा था उसका इन्वेस्टमेंट करने लगे इन्वेस्टमेंट का मतलब भैया फ्लाईओवर बनाने लगी पुल बनाने लगी ट्रेनें बुलेट ट्रेन ये सब बनाने लगी क्यों ये बनाने से क्या होगा ये बनाने से लोगों को रोजगार मिलेगा अच्छा फिर उससे क्या होगा ये बनाने से ये जो है रॉ मेटेरियल आएगा तो वहाँ से डिमांड जनरेट होगी वहाँ डिमांड जनरेट होगी तो फिर वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाएगा और फिर यहां भी रोजगार वहां भी रोजगार फिर इनके पास में में पैसा आएगा तो ये डिमांड करने के लिए बाहर निकलेंगे ये डिमांड बाहर करेंगे तो फिर उन भी चलने लग जाएंगे इस तरीके से फिर ट्रैक पे आ जाएगा तो इस तरीके के इंटरफेरेंस से गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से हम इस तरीके की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो बेसिकली आपको समझना होगा अनएंप्लॉयमेंट क्या है वो लोग जो कि एलिजिबल है कोई भी काम करने के लिए जो कैपेबल है वर्क करने के लिए और इंटरेस्टेड भी है वर्क करने के लिए और करंट वेजेस रेट पे भी रेडी है काम करने के लिए उसके बावजूद भी उसको काम ना मिले तब उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे अब काम तो मिल रहा है लेकिन आप कहोगे मैं दस लाख रुपए लूंगा नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा जबकि पचास हजार रुपये उसका है कि सब पचास हजार रुपये उसका करंट वेजेस रेट चल रहा है और आप कहेंगे दस लाख रुपये दोगे तभी करूंगा आपको काम पर रखा आप ये नहीं बोल सकते मैं बेरोजगार हूं आप अपनी मर्जी से बेरोजगार हुए हैं काम तो है लेकिन आप उस काम करने के लिए कैपेबल नहीं हो आप नब्बे साल के हो चुके हो और आप जाते हो आ, लेबर में आप जाते हो आप वेट उठाने वाले काम करने के लिए जाते हो वहां पर काम नहीं मिलता है तो आप बोलोगे नहीं कि मैं बेरोजगार हूं वहां पर आप उस काम को करने के लिए कैपेबल नहीं हो अगर आप काम को करने के लिए कैपेबल हैं करंट वेजी रे, रेट पर आप रेडी हैं उसके बाद भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तब आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्लियर है और मैं आपको बताता हूँ कि नाइनटीन थर्टी में उस समय ट्वेंटी फाइव परसेंट अनएंप्लॉयमेंट चला गया था इसका मतलब यह है कि हर चार में से एक बंदा अनएंप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था तो कितनी बड़ी बड़े स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा तो यहां वही कुछ डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज द इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज क्योंकि भैया बेरोजगारी ही सब चीजों को चपेटे में लेकर आती है तो ये आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज है मैंने बताया ना कैसे बेरोजगारी आई हमारे पास में जो है हमारे पास में पैसे कम हो गए पैसे नहीं है पैसे नहीं है हमारा डिमांड कम हुआ डिमांड कम हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अनसोल्ड स्टॉक बच गया फॉर्म के पास में इससे अनएम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट है हम घर बैठे हुए हैं गुड्स एंड सर्विस का फ्लो रुक गया गुड्स एंड सर्विस का फ्लो डाउन हो गया तो हम हमारी लाइफ जो है गुड्स एंड सर्विसज के बिना कैसे एग्जिस्ट कर सकती है आप सोच के देखिए अगर मैं आपके सामने हूँ तो मैं कपड़े पहन के हूँ मैं खाना खा करके आया हूँ मैं जा करके खाना खाऊंगा मैं मार्केट चला रहा हूँ मैं इस स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से आपको पढ़ा रहा हूँ हर जगह तो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं अगर इन्हीं का फ्लो कम हो जाए तो हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा जो है स्ट्रगल आ जाएगा तो इसलिए तो यहां पर आपके पास में अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रुक जाता है और ये एक मेजर इश्यूज है इट रेफर टू द इनवॉल्ट्री इन का मतलब क्या इच्छा के विरुद्ध मतलब काम करना तो चाहता हूं मैं लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मुझे अगर मुझे, मैं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो ये मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से घर बैठ रहा हूं मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे घर बैठना पड़ रहा है क्लियर है बच्चे इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री वॉलंट्री मतलब होता है इच्छा है और इन वॉल्ट्री मतलब के इच्छा के विरुद्ध इडलनेस ऑफ द रिसोर्स इंक्लूडिंग द मैन पावर अगर मैन पावर या फिर हमारी कोई अदर रिसोर्सेज ठीक है ना वो यूज होना चाह रही है बट फिर भी उसका यूज नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है इन केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स एक्चुअल आउटपुट विल बी लेस देन द इट्स पोटेंशियल आउटपुट बच्चे इकोनॉमी का होता है कि भैया इतना प्रोडक्शन कर सकती है वो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है Unemployment तो production वो ही कर पा रही है तो ये क्या है 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 वो क्या है? Actual output है. Clear है बच्चे तो ये वही बात कह रहा दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस पॉलिसीड बाय द गवर्नमेंट इसलिए बहुत एक इशूज है उसके बाद बच्चे हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे इन्फ्लेशन पे अब सवाल यह है कि सर इन्फ्लेशन अब क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चे इन्फ्लेशन पे तो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं तो बेटा इन्फ्लेशन किसे कहते हैं किसी कम्युनिटी का प्राइस जो है लगातार बढ़ना कल दस का था कुछ जैसे अभी कुछ दो चार दिन हुए फिर बारह का पंद्रह का बीस का पच्चीस का पचास का सौ का डेढ़ सौ का दो सौ का, का तीन सौ का प्राइस लगातार कंटिन्यूसली प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको इन्फ्लेशन कहेंगे ऐसा नहीं कि मेरी फीस बढ़ गई तीन चार साल के बाद पचास सौ रुपए आप कहोगे भाई भागो देश में महंगाई आ गई महंगाई आ गई ऐसे नहीं के प्राइस कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होना सभी प्रकार की कॉम्युटिज के प्राइस कॉन्ट्यूसली इंक्रीज होना इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं इन्फ्लेशन का मेजर रीजन क्या होता है मान लीजिए देखिए इन्फ्लेशन होता कि, कैसे है अग, अग, अगर मैं बात कर रहा हूं अब टॉपिक है इन्फ्लेशन की तो ये डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लेशन कैसे होता है सबसे पहले लोगों के पास में जो है कुछ पॉइंट इसको समझेंगे देखिएगा इन्फ्लेशन होता क्या सबसे पहले लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है अगर लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाए खरीदने की क्षमता बढ़ जाए उसकी क्रय करने की क्षमता कैसे बढ़ सकती है गवर्नमेंट जो है रेवड़िया माट रही है फ्री में इलेक्शन आने वाला है मतलब कहने का मतलब है कि ट्रांसफर पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट कोई काम वाम तो लोग कर नहीं रहे फिर भी सरकार पैसे दी जा रही है उसको कैसे भैया आप बूढ़े हो गए हो ले जाओ दस हज़ार रुपये भैया बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं बस में टिकटें महिलाओं की फ्री कर दी तो इस तरीके के ट्रांसफर पेमेंट से लोगों के पॉकेट में पैसा आता है तो परचेसिंग पावर क्या हो जाती है बढ़ जाती है अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट ने टैक्स को कम ले रही है लोगों के पास जो पैसा है वो पैसा अच्छा खासा आ रहा है अभी पैसा आता तो क्या होता है आपने कभी देखा ना आपके पॉकेट में कभी पैसा आ गया तो आपने क्या करा उस पैसे फटाफट -फड़ पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ खाने कुछ पीने पार्टी करने कुछ खरीदने कपड़े शॉपिंग करने कहीं ना कहीं, कहीं निकल जाते हो ना आप पैसा आते ही क्या होता है पचेसिंग पावर बढ़ती है तो डिमांड लेवल डिमांड लेवल बढ़ जाता है और जब डिमांड लेवल आपका बढ़ जाएगा तो इस सिचुएशन पे आप आ जाओगे कि आपके आपका डिमांड तो ज्यादा है बट आपकी सप्लाई के कंप्लीटली डिमांड जब ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा कि स... मतलब चीजें अवेलेबल चार हैं और खरीदने वाले दस लोग पहुंच गए तो क्या होगा आप कॉम्पिटिशन क्रिएट्स हो जाएगा खरीदने वालों के बीच में भैया मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो तो कम्पिटिशन क्रिएट्स अमंग द बायर एंड प्राइस विल बी इंक्रीज क्लियर है बच्चे तो अगर यहाँ पे क्या होगा फिर उसके बाद प्राइस आपका इस सिचुएशन में क्या होगा जो प्राइस है वो आपका इंक्रीज होने लग जाएगा बात समझ रहे हैं बच्चे तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इसी चीज को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन अब सवाल है कि इन्फ्लेशन से समस्या क्या है प्राइस बढ़ने से समस्या क्या है वो मैं बताता हूं प्राइस बढ़ने से समस्या क्या है सबसे पहले अब मैं बताऊंगा इन्फ्लेशन का कुछ कुछ कंट्रीज के मैं एग्जाम्प भी दूंगा ये जब प्राइस अब लगातार बढ़ता है ना तो मान लीजिए कोई एक पर्सन है इसकी डेली की इनकम हंड्रेड रुपीज है और किसी तरीके से अपने लिए ये दो टाइम का अपने लिए दो टाइम का एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का दो टाइम का ये अपने लिए फूड अवेलेबल करवा पाता किसी तरीके से और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब होता है कि प्राइस का ज्यादा हो जाना ठीक है तो जो चीज अब उसकी सौ रुपए में आ रही थी अब वही चीज उसको अब दो सौ रुपए नहीं लगी क्यों बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अब बताइए जो अब वो वो सौ रुपये में जो चीज़ अपने लेकर आ रहा था वो उसकी कीमत दो सौ रुपये हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी उसके पास में उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी अब हाफ़ क्वांटिटी हो जाएगी दो सौ रुपये सौ रुपए किलो कोई सामान है उदाहरण के लिए आप सौ रुपए लेके गए किलो किलोते थे दो सौ रुपए किलो हो जाए तो आप सौ रुपए तो 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 का ही आप अपने पास में आपके पास में में फूड आपके हो पाएगा तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉवर्टी लाइन पर थे किसी तरीके से आप अपने आप को सस्टेन कर पा रहे थे अब आप क्या हो गए बिलो दी पॉवर्टी लाइन हो गए तो पॉवर्टी इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन से क्या होता है इन्फ्लेशन से आपको यह देखने को मिलेगा कि पॉवर्टी पॉवर्टी इंक्रीज होगी और जब पॉवर्टी इंक्रीज होगी तो लोगों का जो लाइफ है लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड बैकवर्ड पॉवर्टी क्या करता है पॉवर्टी से क्या होगा जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है बैकवर्ड लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा बैकवर्ड लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा और यही हाँ कोई भी कंट्री कोई भी इकोनॉमी uh, नहीं चाहती कि वहां के लोकल लिविंग स्टैंडर्ड बैकवर्ड हो जाए क्लियर है बच्चे बेसिकली मेजर रीजंस क्या है इसके लिए कि ट्रांसफर पेमेंट इसके लिए मेजर रीजंस है ठीक है ना तो आप ये बोल सकते हो यहां पर ट्रांसफर no, पेमेंट

आपकी इनकम हंड्रेड रुपीज़ है ठीक है ये 2021 की बात कर रहा हूँ या 2022 की बात तेईस की बात कर लेते हैं सौ रुपये इनकम थी 2024 आ गया जी और अब आपकी इनकम बढ़ गई बताऊंगा अभी नेशनल इनकम जीडीपी क्या आता है अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है अब आपकी इनकम हो गई एक सौ दस रुपये ठीक है या फिर पहले सौ रुपये इनकम थी और आपका एक्सपेंडिचर कितना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप पहले मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सपेंडिचर आप सौ रुपये कर रहे थे ठीक है अब इस महीने इनकम आपकी होगी एक सौ पाँच रुपये ठीक है इनकम एक सौ पाँच हुई बट साथ में एक चीज़ और होगी इनकम के साथ साथ में इन्फ्लेशन भी आ गया इन्फ्लेशन आपका आ गया दस परसेंट क्लियर है और आपका जो है इनकम में जो ग्रोथ है वो आपका पांच परसेंट इसका मतलब ये कि जो की इनकम थी पांच परसेंट आपको ग्रोथ देखने को मिला तो अब एक सौ पांच रुपए इनकम होगी और इन्फ्लेशन आपका दस परसेंट हो गया तो मतलब जो चीज आपका सौ रुपए में आ रहा था वो चीज कितने में आएगी अब वो चीजें आठ परसेंट मान के चलिए तो इन्फ्लेशन आपका आठ परसेंट हो गया तो जो चीज आपकी सौ रुपए में आ रही थी उस चीज को खरीदने के लिए आपको एक्सपेंस कितना करना पड़ेगा अब उस चीज को से आपको एक सौ आठ रुपए खर्च करना पड़ेगा तो आप इस बात को समझिए कि आपके इनकम बढ़ने के बाद भी अब आप आपके पास में एक सौ पांच रुपए है और आपको एक तो आप सौ पाओगे नहीं आप इसको नहीं ले पाओगे तो इनकम बढ़ने के बाद भी आप बैकवर्ड चले गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्लियर है यहां तो एटलीस्ट ये था कि भैया सौ रुपए की इनकम थी चीज सौ रुपए की थी, तो कम से कम इनकम ना भी बढ़ी थी तब भी तो पूरी की पूरी चीज आ रही थी तो इन्फ्लेशन आने से जो हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है जो हमारी ग्रोथ होती है इन्फ्लेशन उसको क्या करता है उसको खा जाता है वो उस ग्रोथ का इंपैक्ट फिर हमारे ऊपर देखने को मिलता नहीं है तो इतनी खतरनाक चीज़ है इन्फ्लेशन मतलब आपके के किराए मेहनत पे पानी फेरने वाली बात होगी इन्फ्लेशन ठीक है जैसे कि आप बड़ी सर्दी हो रही है और आपको हाथ जो है वो फेंकने आपने बड़ी मुश्किल से आग वाग जलाया और आप बैठे बड़ी तसली से कि भैया आप तो मैं थोड़ी सी गरमाइश लूँगा और उसके ऊपर पानी निकल डाल देना क्या समझते हैं तो यही चीज़ है कि इन्फ्लेशन आपके के किराए पर पानी फेर देता है तो उसका इन्फ्लेशन बोलते हैं क्लियर है बच्चे तो यहां पर अगर आपके इससे क्या होगा इस इस एक जो पर्सन है उस पर्सन वो उसकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा इसका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से क्या होगा इन्फ्लेशन की वजह से बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा बैकवर्ड हो जाएगा ना क्लियर है तो इन्फ्लेशन के ये कुछ नुकसान हैं पॉवर्टी बढ़ती है बैकवर्ड चले जाते हैं तो यहां पे मैं बात बात कर रहा था आपसे इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन रेफर टू एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेफर टू एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी क्लियर है इन्फ्लेशन रेफर टू एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल है इन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी वेन देर इज द फॉल इन द जनरल प्राइज लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इस नॉन एज द डिफ्लेशन तो दोनों ही होता है अगर लगातार कीमतें गिर रही हैं तो डिफ्लेशन है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ज्यादा खतरनाक होता है इन्फ्लेशन से आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में टू मच इन्फ्लेशन और टू मच डिफ्लेशन बोथ आर नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी गवर्नमेंट एम्स एट द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी सरकार की कोशिश रहती है कि भैया ना तो प्राइस बढ़े ना प्राइस घटे प्राइस अपनी जगह रहे आप कहोगे सर प्राइस ना बढ़े ये बात तो समझ आ गई है बस प्राइस क्यों ना घटे बेटा प्राइस घटता कब है आपने अभी सुना नहीं जब अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो लैक ऑफ डिमांड आता है सप्लाई ज्यादा हो जाती है प्राइस डिक्रीज हो जाता है अब जब आप पे काम ही नहीं है करने को तो सौ की चीज पांचवे में भी हो जाएगा तब भी नहीं खरीद सकते आप तो क्योंकि अनएंप्लॉयमेंट रिड्यू जो है इंक्रीज हो रहा है इसलिए नहीं तो प्राइस का गिरना और ना ही प्राइस का बढ़ना दोनों में से कुछ भी चीजें ठीक नहीं है और लगातार जब प्राइस गिरती है तो फिर फॉर हमारे कंट्री में आकर के इंपोर्ट करने लग जाते हैं सामान को खरीदने लग जाते हैं क्लियर है बच्चे तो ये भी चीजें हो जाती है तो हमारे रिसोर्सेज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ ट्रांसफर होने लग जाता है तो स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई हमें एक बैलेंस करना चाहिए uh, कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई आसपास मैनेज रहे तो इससे हमारा प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी फिर जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा गवर्नमेंट अडोप्ट वेरियस फिजिकल मेजर्समेंट ये आगे पढ़ोगे फिजिकल पॉलिसीज आप आरबीआई की क्या रहती है गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी रहती है और आर की मॉनिट्री पॉलिसी रहती है प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी देखेगी प्राइस बढ़ रही है अच्छा प्राइस बढ़ने का मतलब यह हो गया कि लोगों के पास में लोग डिमांड डिमांड ज्यादा हो रही है तो डिमांड ज्यादा हो रही है लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो ऐसा थोड़ी करेगी सरकार पुलिस को भेजेगी लोगों कर कर के घर में जाकर चोरी करके लाओ नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी ऐसा थोड़ी पुलिस वाले मार्केट में घूमेंगे भाई क्या है सब्जी थैला दिखाओ जो खरीदा अच्छा आलू प्याज मुर्गा बन जाओ ऐसी थोड़ी डिमांड कम करेगी ल पॉलिसी की थ्रू डिमांड को कम करेगी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू कैसे डिमांड कम करेगी उस चीज को जरा आप समझने की कोशिश करेंगे फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करेगी कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा है डिमांड ज्यादा है इन्फ्लेशन आ रहा है तो क्या करेगी टैक्स रेट बढ़ा देगी लो बढ़ा दिया अब आप लाख रुपए कमा रहे थे पहले आप दस हज़ार रुपये सरकार को दे रहे थे नब्बे हज़ार खर्च कर रहे थे और सरकार बोलेगी पंद्रह हज़ार रुपये दो तो लाख में से पंद्रह हजार सरकार को दोगे टैक्स तो पचास हज़ार रुपये खर्च कर पाओगे तो खर्च करने की कैपेसिटी या परचेसिंग पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी तो कहीं कही ना कहीं आपको डिमांड के लेवल को कंट्रोल किया जाएगा इन्फ्लेशन से बचाया जा सकता है सरकार बोलेगी अच्छा डिमांड बहुत करने लग रहे हो ट्रांसफर पेमेंट को कम करते हैं जो आपको ट्रांसफर पेमेंट कर रहे थे जो सब्सिडीज दे रही थी उसके ऊपर टाइट कर लेगी हाथ ताकि आपके जो खर्चे वो इन चीजों के ऊपर होने लग जाए ना कि आप और सरप्लस आप एक्सपेंस कर करके और डिमांड को बढ़ाओ तो गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं जो कि बजट में गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लेकर के आती है और जो बैंकों के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करती है इस चीज को उसको मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं वो बाद में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा तो आपको समझ में आ गया भैया इन्फ्लेशन समझ में आ गया एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया आपको क्लियर है तो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे बाकी आगे के ट्रेड साइकिल ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक ग्रोथ ये कुछ पॉइंट्स हम आगे और भी पढ़ेंगे इसके अंदर पॉइंट सभी हैं पॉइंट हमारे पास में और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे यूनिट वन अगली क्लास में खत्म है यूनिट टू स्टार्ट कर देंगे बड़ी तेज आगे बढ़ेंगे सिलेबस टाइम से आपका हो जाएगा थैंक यू जी थैंक यू सो मच